देश भर में किए गए लॉकडाउन का खरगोन जिले में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आम जनता की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने किराना व्यवसायी को पास जारी किए हैं, जो घर घर जाकर लोगों को राशन सामग्री का वितरण करने को कहा गया है। बावजूद इसके कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान से ही सामान की बिक्री की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार मुकेश निगम द्वारा पुलिस टीम के सहयोग से खरगोन के सनौद रोड स्थित दो दुकानों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान दोनों ही दुकानों को सील किया गया और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक उनकी दुकानें खोलने की परमिशन रद्द कर दी गई है। इंदौर से अभी दो सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनगर खरगोन के 55 वर्षीय पुरुष और पीपलिया बुजुर्ग की 23 वर्षीय बालिका कोरोना वायरस में संक्रमित पाई गई है। प्रशासन द्वारा दल बनाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई, कोरोना संक्रमित नूर मोहम्मद और आसन गांव के ललित पाटीदार ने कोरोना से जंग जीत ली। इंदौर से उन्हें खरगोन के लिए रवाना किया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लास्ट मंथ पेरिस से आया था खरगोन, और जो मैंने फ्रांस में देखा उससे ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ हमारे इंडिया में हैं। मैं एग्री टू दैट, बिकॉज वहाँ पर तो सिचुएशन आपको पता ही कितनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन, डॉक्टर्स एंड नर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। आपको इस बीमारी से जीतते हुए कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे हाथ धोना और मुंह पर कपड़ा रखना, ये सबको अगर सभी लोग फॉलो करेंगे तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम है। आपका नाम? मेरा नाम ललित पाटीदार है, और मैं आसन गाँव खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। हमारे अस्पताल से घर जा रहे हैं, हमारा छोटा सा अस्पताल है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवा करी, सब टाइम टेबल से खाना पीना ये वो सब अच्छे उच्च स्तर का मिला हमको, और सेवाएं भी सब उच्च स्तर की मिली, कोई दिक्कत नहीं रही। सारे लोग लगे रहे, डॉक्टर नर्स और जितना पूरा स्टाफ था वो सारी जो है वो सेवा में हमारी लगे रहे, और बहुत अच्छा लगा और बहुत संतुष्ट होकर हम जा रहे हैं यहाँ से। आपकी तबीयत अब कैसी लग रही है? एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बॉडी फिट है, हसास बसास से हम, और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे घर जाके? आप बताइए। आप घर पे आइसोलेशन रखेंगे अपना? ठीक है। अगले 3 सप्ताह तक नहीं मिलेंगे? ठीक ठीक। खान पान का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप? आइसोलेशन में रहेंगे और किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, खान पान का ख्याल रखेंगे, और कुछ भी असुविधा होने पर हम लोगों से रिपोर्ट करेंगे अपने नज़दीकी आपके जो CMO साहब से। जी सर, ठीक। समाज के लिए आपका क्या संदेश है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि हम निकल सकते हैं हमारा देश? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमको जो एहसास हुआ है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हौसला और जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, सब हम लोग एकजुट होकर जो है वो अगर इस कोरोना से लड़ेंगे तो ऊपर वाले की मदद से जो है वो कोरोना हारेगा, और हम और हमारा पूरा देश जो है वो जीतेगा। क्या नाम है? जी साहब, मेरा नाम है नूर मोहम्मद, खरगोन से हूँ साहब। आज अभी 5 जने यहाँ इंदौर के जो काफ़ी दिनों से स्वस्थ थे अभी, और इनके दोनों सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, आज इनको हम लोगों ने डिस्चार्ज किया है। 2 खरगोन के हैं, उनको भी डिस्चार्ज प्लान कर लिया है, उनकी गाड़ी जैसे ही आएगी उनको हम खरगोन भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।